हमारा अगला टॉपिक है अनिवार्य चिन्ह मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी का मतलब होता है ये काम आपको अनिवार्य रूप से करना है। अनिवार्य भी कह रहा है कि अनिवार्य चिन्ह मैंडेटरी साइन, मतलब ये जरूरी है। और ये क्या कहता है, ये जो भी आपको दिखा रहा है ये काम आपको करने के लिए कह रहा है। ये सब जो सिंबल होता है वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होता है। निषेधात्मक चिन्ह आपको मना करता है और अनिवार्य चिन्ह आपको करने के लिए कहता है। जैसे देखिए ये क्या बनाया हुआ है, ये जो चिन्ह होता है ना अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह वृत्ताकार होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। और इसका जो ये सरफेस होता है ये नीला होता है। अनिवार्य चिन्ह गोलाकार आकार में होता है, इसका जो सरफेस होता है, बैकग्राउंड होता है, वो नीले कलर का होता है। और इस पर जो चिन्ह बनाया जाता है वो सफ़ेद कलर में बनाया जाता है, ठीक है। और ये अनिवार्य चिन्ह है, ये क्या कहता है, आपको जो बता रहा है वो काम आपको करना है। जैसे वेयर हेड प्रोटेक्शन, सर की सुरक्षा के लिए पहने, तो सर की सुरक्षा के लिए हम क्या पहनेंगे, हेलमेट। ये क्या है, हेलमेट है, ये हेलमेट है सर की सुरक्षा के लिए, हेलमेट। और ये गोलाकार आकार का होता है, इसका बैकग्राउंड नीला होता है, और जो चिन्ह बनाया जाता है वो सफ़ेद कलर का बनाया जाता है, ठीक है। अगला है वेयर आई प्रोटेक्शन, आँखों की सुरक्षा के लिए पहने, तो आँखों की सुरक्षा के लिए हम क्या पहनेंगे, चश्मा पहनना है। तो ये बैकग्राउंड क्या है, नीला है, BLUE ब्लू है, नीला। और ये जो चिन्ह है ये सफ़ेद है, ठीक है। ये क्या कहता है, आपको ये जहाँ पर भी बनाया हुआ है वहाँ पर काम करते समय बिना चश्मा के काम नहीं करना है। हो सकता है आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कुछ उड़ रहा हो, गर्दा उड़ रहा हो, धूल उड़ रहा हो, या जैसे लेथ पर काम करते हैं तो उस समय चश्मा पहनना ज़रूरी हो जाता है। ग्राइंडर पर काम कर रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ जो भी धातु है उसमें से घिस घिस के निकल रहा है, तो वो हमारी आँखों में न पड़ जाए, इसके लिए भी होता है कि चश्मा पहनना है, ठीक है। तो आई प्रोटेक्शन के लिए चश्मा पहनना है। वेयर ईयर प्रोटेक्शन, ईयर मतलब होता है कान, तो कान की सुरक्षा के लिए ये हेडफोन होता है, ये लगाया जाता है। ये गाना सुनने वाला नहीं होता, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि बाहरी आवाज़ हमको नहीं सुनाई दे, बाहरी आवाज़ नहीं सुनाई दे, ठीक है। तो ऐसा भी कोई कोई जगह होता है जहाँ पर ऐसा मशीन है जो ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उस समय आपको कानों में सुरक्षा के लिए पहनना होगा जिससे कान खराब नहीं हो। वेयर फुट प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, सेफ्टी शू पहनेंगे। ये सेफ्टी शू मतलब पैर में जूता ज़रूरी है। ये चिन्ह जहाँ पर बनाया हुआ है वहाँ पर आपको पैर की सुरक्षा के लिए ये जूता पहनना ज़रूरी होता है। वेयर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा के लिए हम क्या पहनेंगे, ग्लव्स। ये क्या है, ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स। ग्लव्स मतलब होता है दस्ताना। वेयर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा के लिए दस्ताना पहनना है। वेयर रेस्पिरेटर, ये देखिए जहाँ पर ऐसा काम किया जाता है जहाँ पर केमिकल से अलग अलग प्रकार का रसायन जो है या धुआं है वो बहुत ही खतरनाक धुआं निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई केमिकल ऐसा होता है जिससे ऐसा गैस निकलता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहाँ पर काम करते समय रेस्पिरेटर, ये समझिए एक प्रकार का मास्क होता है, अच्छे क्वालिटी का ये मास्क होता है, ठीक है। तो ये समझिए कि श्वास की सुरक्षा के लिए रेस्पिरेटर पहना जाता है। ये देखिए वेयर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, ये सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है। तो सेफ्टी बेल्ट कहाँ पहना जाता है, जब ऊपर चढ़ के कहीं ऊंचाई पर काम किया जाता है, या आप छत पर रेलिंग पर काम कर रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ के काम कर रहे हैं, पोल पर चढ़ के काम कर रहे हैं, कहीं भी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं जहाँ से नीचे गिरने का खतरा रहता है, वहाँ पर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट पहना जाता है, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वॉश हैंड, कोई कोई ऐसा जो केमिकल वाला काम होता है कि आप केमिकल का काम करने के बाद आपको हाथ धोना ज़रूरी है,
बिना हाथ धोए आप कुछ काम नहीं करिए, ठीक है। तो ये वॉश हैंड मतलब हाथ को धोना, यहाँ पर काम करने के बाद आपको हाथ धोना जरूरी है, या यहाँ एक काम करना है तो हाथ धोना पड़ेगा पहले, ठीक है। कोई कोई जैसे दवाई बना रहे हैं या कोई ऐसा चीज़ है जिसमें हाइजेनिक का मतलब समझिए कि उसमें संक्रमण नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज़ बनाया जाता है, मास्क हो गया जो हम लोग कोरोना टाइम में पहनते थे, तो वो सब क्या होता है हाइजेनिक रहना चाहिए, मतलब उसमें संक्रमण नहीं, पहले से ही अगर उसमें संक्रमण हो तो फिर हम मास्क पहनने से क्या फ़ायदा। तो ऐसा भी काम होता है जहाँ पर हाथ धो के हाथ में ग्लव्स पहन के काम किया जाता है, या कहीं कहीं होता है कि आपको काम करने के बाद हाथ धोना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है अनिवार्य चिन्ह है, मैंडेटरी साइन है, ठीक है, सबके बारे में बता दिए। एक और चिन्ह होता है इसी में अनिवार्य चिन्ह में ही एक और है, इसको हम कहते हैं वेयर्स ये यूज एडजस्टेबल गार्ड। ये वृत्ताकार हो गया, इसका सरफेस जो हो गया वो नीला रहता है और ये ऐसे रहेगा, जैसे आप लोग कोई कोई ग्राइंडर देखते हैं, ये काटने वाला जो होता है, दीवार काटना है, लकड़ी काटना है या लोहा काटना है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि आपने देखा होगा इस प्रकार का कवर होता है, ठीक है। कुछ भी काटने वाला जो ग्राइंडर होता है इसमें ये ब्लेड लगा हुआ रहता है, ये ब्लेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें ये दांत बना हुआ है, टीथ बना हुआ है, जिससे ये काटता है, लकड़ी काट रहा है, लोहा काट रहा है, दीवार काट रहा है, कोई भी चीज़ काट रहा है। तो ये जो मशीन होता है आप हमेशा देखिएगा इसके ऊपर ये एक गार्ड लगा हुआ रहता है, इसको कहा जाता है यूज एडजस्टेबल एडजस्टेबल गार्ड। तो कोई भी जो ग्राइंडर होता है उस पर गार्ड लगाया हुआ रहता है, क्यों, आपकी सुरक्षा के लिए। जैसे काम करते समय हमारा हाथ इस ब्लेड से संपर्क में नहीं आए, या इस काट रहे हैं तो इसमें से कुछ भी काटते हैं तो उसमें से निकलेगा, लोहा काट रहे हैं उसका बुरादा निकलेगा, दीवार काट रहे हैं धूल उड़ेगा, जो भी काम कर रहे हैं ग्राइंडर से काम कर रहे फिर भी उड़ता है, तो वो उससे भी हमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये गार्ड है तो आगे हमारे आँख में नहीं आएगा, नाक में नहीं आएगा, इसके लिए भी होता है। तो ये क्या है एडजस्टेबल गार्ड होता है, ये एडजस्टेबल गार्ड होता है। कोई भी कटर जो होता है, कटर मशीन जितना भी होता है उसमें एडजस्टेबल गार्ड होता है, ये भी अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारा जो तीसरा चिन्ह है वार्निंग साइन, वार्निंग साइन चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह जो होता है वो हमें किसी भी काम को करने से रोकता है या सावधान करता है, जैसे ये काम अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो किसी भी होने वाले दुर्घटना से हमें सावधान करता है, मतलब खतरा को दर्शाता है कि आप यहाँ अगर काम कर रहे हैं ये आपको खतरा हो सकता है। जैसे रिस्क ऑफ फायर आग लगने का खतरा हो सकता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विद्युत का झटका लगने का खतरा हो सकता है, वार्निंग साइन चेतावनी चिन्ह क्या बताए हैं कि ये हमें किसी भी होने वाले दुर्घटना से सावधान करता है, ठीक है। तो ये जो बता रहा है वो कभी भी हो सकता है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और ऐसा जो चिन्ह बनाया हुआ है तो आपको ये क्या करता है सावधान करता है कि यहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो ये मतलब इस चीज़ से आपको खतरा है। तो ये जो चिन्ह होता है ये पीला बैकग्राउंड होता है, येलो पीला, पीला बैकग्राउंड हो गया, और ये जो कलर ये चिन्ह बनाया हुआ रहता है ये काला रहता है, ब्लैक, ठीक है। और आकार जो होता है इसका त्रिभुजाकार होता है। इसके पहले हम लोग जो दो चिन्ह पढ़े थे दोनों वृत्ताकार था, ये त्रिभुजाकार हो गया, रेक्टेंगल में आ गया, ठीक है। तो त्रिभुजाकार आ गया तो इसमें त्रिभुज के आकार का होता है
और इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है ये पीला रहेगा, और ये जो चिन्ह बनाया जाता है, ये जो चिन्ह है ये काले रंग से बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है, आपको किसी भी होने वाली दुर्घटना से सावधान करता है। जैसे रिस्क ऑफ फायर हो गया, मतलब आग का खतरा हो सकता है। आप जैसे कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है, या वहाँ ज्वलनशील पदार्थ कहीं जैसे पेट्रोल, जहाँ पेट्रोल डीजल इस सब का रिफाइन होता है, या जहाँ पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पर कभी भी आग लगने का खतरा हो सकता है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब अगर आप चारों तरफ वायर है, पैनल ही पैनल है, तो वहाँ पर आप काम कर रहे हैं और सप्लाई लाइन चालू है, तो वहाँ पर रिस्क, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक मतलब होता है विद्युत का झटका। ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल होता है, विद्युत के झटका का ये सिंबल है। ये जहाँ पर बनाया हुआ है वहाँ समझना है कि यहाँ पर अगर हम काम कर रहे हैं तो सावधानी से काम करेंगे, जहाँ भी कर रहे हैं ये बनाया हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे ही कोई चीज़, कोई भी वायर छूना नहीं है, कोई भी मशीन को छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विद्युत का झटका लगने का खतरा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा सिंबल आता है, ठीक है, आगे हम बताते हैं।